नमस्कार, पारा शिक्षकों को लेकर एक बड़ी अपडेट हम तक आ रही है कि आगामी 21 अक्टूबर 2018 को प्रदेश स्तर की बैठक होने वाली है जिसमें पारा शिक्षक अपनी रणनीति तय करेंगे। खबरों के मुताबिक 24 जिला के जिला अध्यक्ष और सचिव इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य इसमें मौजूद होंगे और इनकी रणनीति बनाई जाएगी कि अगर 21 अक्टूबर को जो बातचीत होगी उसमें ये रणनीति बनाई जाएगी कि पिछली बार जब सितंबर में ये आंदोलन होने वाला था, विधानसभा का घेराव होने वाला था और उसके ठीक दो दिन पहले प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम झारखंड में था और इसके बाद ये स्थगित कर दिया गया था। एक महीने की टाइम डिले की गई थी, एक महीने के अंदर बातचीत करने के लिए बुलाने का आश्वासन मिला था और यह भी बताया गया था कि एक महीने के बाद में पूरी चीजों पर बातचीत की जाएगी। हमारी बातचीत आज जो पूर्वी सिंहभूम जिला के अध्यक्ष हैं सुमित तिवारी जी और कोल्हान प्रदेश अध्यक्ष एस मिश्रा से बात करने के बाद हमने ये न्यूज आप तक भेजा है और इनका कहना है कि जो आगामी 21 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है रांची में जिसमें 24 जिला के झारखंड के 24 जिला के जो पारा शिक्षक संघ है उनके सभी अध्यक्ष और सचिव वहां पहुंचेंगे। साथ ही साथ जो प्रदेश कार्यकारिणी बनाई गई है प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य इसमें मौजूद होंगे। जो पूर्व में चार गुट था, चारों गुट को अब एक कर दिया गया है और अब ये बैठ करके वहां निर्णय लेंगे कि 24-25 अक्टूबर तक अगर उन्हें मिल जाता है पूरा अधिकार और मानदेय बढ़ा दिया जाता है तो फिर अब आगे आंदोलन नहीं होगा, नहीं तो इस बार आर पार की लड़ाई होगी। हम आपको एक चीज और बता दें कि पिछले दिनों कई बैठक अलग अलग स्थान पर हुई थी जिसमें कई नेताओं से हमारी भी बातचीत हुई और उसमें सिर्फ यही सहमति बना कि मानदेय बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, क्या उसको दिया जाएगा, ये कोई भी खुलासा नहीं किया जा रहा है। YouTube में इस प्रकार के जितने भी YouTube में चैनल में जो चीज दिखाया जा रहा है सारा चीज फर्जी है और गलत है। अलग अलग YouTube में आप हमने देखा कि उसमें बताया जा रहा है कि पेमेंट 18,000-20,000 हो गया है जो पूर्ण रूप से गलत खबर है। कुछ लोगों ने अपने YouTube में ये भी लिख रखा है कि पारा शिक्षकों को परमानेंट कर दिया गया है, ये भी गलत खबर है। कुछ YouTube ने दो तीन दिनों में यह भी चलाया कि मुख्यमंत्री स्तर से ये बातचीत हुई थी, यह भी गलत खबर है। यानी कि YouTube में पारा शिक्षकों के नाम पर गलत खबर दिखाने का एक होड़ मच गया है और हमने इसी मिथ्या को तोड़ने के लिए अपने चैनल पर सिर्फ सही खबर और जो खबर जिला अध्यक्ष अथवा प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर हम तक आती है उसी को हम सिर्फ दिखाते हैं। आमतौर पर देखा जा रहा है कि पारा शिक्षकों के बारे में कुछ भी लिख करके कि पारा शिक्षक ने पार्टी किया, पारा शिक्षक खुशी से उछल पड़ेंगे, पारा शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर, इन चीजों को लिख करके और पारा शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ उनके भावनात्मक चीजों के साथ खेला जा रहा है और अंदर जब खबर चलती है तो उसमें कुछ भी नहीं होता है और पारा शिक्षक कन्फ्यूज कर जाते हैं। हमारा रिक्वेस्ट होगा कि ऐसे चैनल को आप सब्सक्राइब मत कीजिए जो आपके साथ भावनात्मक रूप से आपका दोहन कर रहा है और सिर्फ अपना व्यू बढ़ाने के लिए आपके बारे में झूठी खबर दिखा देता है, लेकिन हम आपको सभी कुछ सच दिखाएंगे जो ऑथेंटिक होगा, जिसमें 1% भी गलत नहीं होगा। और हम तक जो खबर आई है इसके मुताबिक 21 अक्टूबर 2018 को 24 जिले के पारा शिक्षक संघ के सचिव और अध्यक्ष बातचीत करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष के जो प्रदेश स्तर के भी अधिकारी इसमें रहेंगे मौजूद और इसमें यही रणनीति बनाई जाएगी कि पिछली 23-24 सितंबर को जो मुहलत लिया गया था एक महीने का कि एक महीने तक में मानदेय बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन कितना इस पर कोई बातचीत नहीं हुई थी और परमानेंट होने को लेकर के भी कोई खबर नहीं थी। तो 21 अक्टूबर को ये बैठक होगी और बैठक के बाद ये तय किया जाएगा कि अगर अक्टूबर महीने तक में सारा कुछ स्पष्ट हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर एक बड़ी आंदोलन की जाएगी। साथ ही साथ इस पर भी बातचीत की जाएगी कि अब आगे से जो सैलरी होगा वो सैलरी एक साथ उन्हें दिया जाएगा। कई व्यूअर ने हमारे कमेंट बॉक्स में लिखा है कि अलग अलग राज्यों में पारा शिक्षक को क्या सैलरी मिलता है। हम बहुत जल्द ही इसके लिए ऑथेंटिक वीडियो आपको भेजेंगे जिसमें कोई भी चीज झूठ नहीं होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप कभी भी कोई चीज को देखने के पहले सोच ले कि
वह कितना ऑथेंटिक खबर है। और यूं ही आप की खुशी एक घंटे के लिए सिर्फ नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो चीज आपको दिखाएंगे वह सच होगा, और ऐसा सच होगा जो आपको लगेगा कि ऑथेंटिसिटी के साथ में होगा। तो हमसे आप लगातार जुड़े रहिएगा। और हम आपको ये भी बता दें कि पारा शिक्षकों को लेकर अभी जो सबसे बड़ी खबर हम तक आज आई है उसके मुताबिक ये है कि 21 अक्टूबर को, आगामी 21 अक्टूबर 2018 को बातचीत की जाएगी, और बातचीत के बाद ही निष्कर्ष निकलेगा, जिसमें सभी प्रदेश से लोगों को बुलाया जा रहा है, एक बड़ा सम्मेलन होगा और यहाँ पर तय किया जाएगा आगे की रणनीति, और इसमें सरकार के ऊपर में प्रेशर की भी रणनीति बनाई जाएगी। और हमसे बातचीत करते हुए पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि इस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी बातचीत हुई है, और पूर्व में जो मंत्री रहे हैं उनसे भी बातचीत हुई है, वर्तमान मंत्री से भी बातचीत चल रही है। सभी लोगों ने यही कहा है कि मानदेय बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा इस पर किसी ने भी कुछ नहीं कहा है। सारे लोगों का ही कहना है कि ये खुलासा अभी नहीं की जाएगी, लेकिन मानदेय बढ़ेगा ये तय है। अब डिपेंड करता है कि पारा शिक्षक संघ अब कितना बड़ा प्रेशर क्रिएट कर पाता है सरकार के ऊपर में, ताकि उसका मानदेय जो बढ़े वो सम्मानजनक हो, और विभिन्न राज्यों से जब तुलना किया जाए, खास करके छत्तीसगढ़ से, तो उस दिशा में छत्तीसगढ़ में मिनिमम सैलरी पारा शिक्षकों की 20,000 रुपये है, और मैक्सिमम जो है उसमें 32,000 रुपया तक उन्हें दिया जा रहा है, जो हमने सर्वे देखा है उसके मुताबिक है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, हम हर जो बैठक होगा उसके सबसे पहले खबर आपको बताएंगे, और ऑथेंटिसिटी के साथ बताएंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।